हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल मैंने में सुगंधा शर्मा आज के वीडियो में हम एक डेटा साइंस कोर्स के बारे में बात करेंगे जिसके लिए कोई भी फ्रेशर ग्रेजुएट कोई भी फ्रेशर अंडर ग्रेजुएट या कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल अप्लाई कर सकता है जो भी डेटा साइंस के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है सो so प्रीवियसली हमने जो डेटा साइंस कोर्स के बारे में बात की अगर आपसे प्रीवियस बैच मिस हो गया और अगर आप अब एडमिशन लेना चाहते हैं अब इंटरेस्टेड है तो नया बैच ट्वेंटी नाइन्थ अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है जो ऑडिन स्कूल की तरफ से है अगर आपको ऑलरेडी इसके बारे में इफॉर्मेशन है बिकॉज आईव टॉक अबाउट ऑडियन स्कूल अर्लियर अर्लीअसो इफ यू ऑलरेडी नो अबाउट इट एंड यू डायरेक्टली वॉन्ट टू टेक एडमिशन दें द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बट इफ यू आर फॉर द फर्स्ट टाइम हेयर एंड यू नो नथिंग अबाउट ऑर्डियन स्कूल देन प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग ऑर्डिन स्कूल इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर डेटा साइंस विच मीन्स आप अपने घर से बैठ के इसमें डेटा साइंस कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे ऑडिन स्कूल की जो गूगल रेटिंग है आपके सामने है कि 4.7 है जो 834 लोगों ने रेट की है इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑर्ड स्कूल से अपना डेटा साइंस कोर्स किया उन सभी के लिंकड प्रोफाइल यहीं पर लिंक्ड है विच मीन्स आप डायरेक्टली जाके उनके साथ इंट्रैक्ट कर सकते हैं सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं ताकि वो लोग जो एलिजिबल हैं सिर्फ उन्हें पूरा वीडियो देखना पड़े कोई भी इंडियन इसके लिए अप्लाई कर सकता है आप किसी भी क्वालिफिकेशन uh, बैकग्राउंड से आते हैं यानी आप टेक नॉन टेक किसी से भी आते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं आप किसी भी स्टेट या सिटी से आते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड में ग्रेजुएशन uh, है अंडर ग्रेजुएशन है पोस्ट ग्रेजुएशन है जो भी है आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट प्लस इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे यानी अगर आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड कम्प्लीट कर लिया है तो भी ड्यूरेशन की बात करें तो ये एक सिक्स मंथ्स का कोर्स है जिसमें सिक्स मंथ से आपके uh, जो रिक्रूटमेंट्स हैं जो आपके प्लेसमेंट्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे एंड ट्वेल्थ मंथ तक चलेंगे ये काफी फ्लेक्सीबल प्रोग्राम है विच मीन्स अगर आपकी क्लासेज हैं या यू आर ऑलरेडी वर्किंग समवेयर एंड देन यू वॉन्ट टू एनरोल तो वो फ्लेक्सीबिलिटी यहाँ पे रहेगी बिकॉज ए द क्लासेज आर ऑन द वीकेंड एंड बी बिकॉज यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है Now let's see what's so special about this data science course. First, you will have live interactive sessions with industry instructors. You will have rigorous classes every weekend. You'll have regular interactions with industry experts. You will find some live projects over here. यहाँ पे कई सारे वर्कशॉप्स रहेंगे आपके बिहेवियर स्किल के ऊपर, जिसमें एंस यू आर रिक्रूटेड, आपको ये जॉब स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे आपको कैसे बिहेव करना है। आफ्टर प्लेसमेंट उसके ऊपर भी यहाँ पे आपकी क्लासेस रहेंगी आपकी यहाँ पे इंटरव्यू प्रिपरेशन जैसे कि आपकी स्किल बिल्डिंग आपका सीवी बिल्डिंग प्रोफाइल बिल्डिंग मॉक इंटरव्यूज लेना ये सब इसका पार्ट होगा इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑडियन स्कूल की तरफ से प्लेसमेंट भी प्रोवाइड की जाएगी जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कोर सिलेबस की बात करते हैं इसमें सबसे पहले यू विल लर्न टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई स्टेप्स फॉर रियल टाइम एनालिसिस यू विल लर्न पाइथन एंड टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस पैटर्न प्रोडिक्शन एंड विजुअलाइजेशन एस क्यू एल यूज़ करना डेटा बेस मेटेन करने के लिए एंड डेटा मैनिपुलेट करने के लिए अंडरस्टैंड एंड अप्लाई करना मशीन लर्निंग एल पाइथन डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स एस क्यू एल कैपस्टोन प्रोजेक्ट मिनी कैपस्टोन प्रोजेक्ट एडवांस्ड पाइथन एडवांस्ड एस क्यूएल सो ये सारा आपका कोर सिलेबस होगा इसके अलावा इसमें आपके इलेक्टिव्स भी होंगे विच मीनस uh, कुछ ऐसे ऑप्शनस रहेंगे जिसमें से जितने ज़्यादा आप लेना चाहते हैं आप उतने ज़्यादा ले सकते हैं इसमें आप एम एल ले सकते हैं एन एल पी ले सकते हैं ए ले सकते हैं स्पार्क ए फ्लो टेब्ल्यू डी स्नोफ्लेक ये सब आप इसमें ले सकते हैं सो एज यू कैन सी कि काफी इंडस्ट्री अलाइंड इनका सिलेबस है और इसके अलावा ये प्लेसमेंट असिस्टेंस भी अपने पास से ही प्रोवाइड करते हैं तो प्लेसमेंट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं ऑर्ड स्कूल हैज़ अ डेडिकेटेड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट जो 250 प्लस कंपनीज के साथ कॉलेब करता है इन कंपनीज में जो जॉब वैकेंसीज होती है डेटा साइंस के फील्ड में और उसके लिए जो पर्टिकुलर प्रोफाइल रिक्वायर्ड होती है कैंडिडेट्स के सी मैच करके वहीं पर सेंड करने का काम ऑडिट स्कूल करता है तो अगर आपकी सी ऐसी जगह पर फॉरवर्ड होंगे जहाँ से आपकी प्रोफाइल यानी आपका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड एंड इफ़ एनी अदर स्किल्स यू नो मैच होती हैं तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे ऑर्डन स्कूल हैज़ प्रूवन प्लेसमेंट रिकॉर्ड एंड सैलरी के लिए कैंडिडेट्स के बिहाफ पे नेगोशिएट करने का काम भी ऑर्डिन्न स्कूल ही करता है लेट्स टॉक अबाउट फीस हेयर यार यहाँ पर नाइन्टी प्लस जीएसटी टोटल फीस है जिसमें जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट है यानी जो पहले हंड्रेड कैंडिडेट्स होंगे जो रजिस्टर करेंगे उनको टेन थाउजेंड रुपीज तक का ऑफ भी है इसके अलावा इसमें थर्टी थाउजेंड तक की स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है जिसके लिए आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा और आपके स्कोर के बेसिस पे आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है

तो वो भी वहीं पे आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं आफ्टर विच यू हैव टू पे योर फीस एंड यू विल बी एनरोल्ड इन द कोर्स फाइनली जो इसकी सक्सेस स्टोरीज हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इसके अलावा आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसे कैंडिडेट्स फ्राम वेरी वर्सिटाइल बैकग्राउंड हैज टेकन एडमिशन एंड दे हैव गॉड सेलेक्टेड सो ऐसा नहीं है कि इसमें अगर आप सिर्फ एक टेक बैकग्राउंड से हैं तभी आपका अच्छा प्लेसमेंट होगा जब आप देखेंगे सक्सेस स्टोरीज को तो कई सारे कैंडिडेट्स इसमें नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं कई सारे कैंडिडेट्स हैं जो 30 प्लस 40 प्लस एज ग्रुप के हैं जिनका 10 टू 15 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस एक एंटायरली डिफरेंट फील्ड में है एंड दे स्टिल बैक गुड कंपनीज एट गुड पैकेज सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग इफ यू हैव एनी डाउट्स दें प्लीज मैं दम इन द कॉमेंट्स